परीक्षाएं आने वाली हैं और देश के प्रधानमंत्री ने जो छात्र हैं उनको परीक्षा का मंत्र दिया। पहले प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं। प्रिंसिपल सर, अभिभावक हों, टीचर हों, स्टूडेंट हों, इन तीनों की अहम भूमिका होती है एक परीक्षा में। आज जो मंत्र था वो क्या था, क्या मिला? मेरे ख्याल से जो प्रधानमंत्री जी ने जितने भी एक इन सबको जो है निर्देश दिए हैं डिस्ट्रेस करने के जो जितने तरीके बताए वो वाकई में वंडरफुल है। वो चाहे प्लानिंग की बात हो और चाहे कहीं ना कहीं को कहीं अपने पेरेंट्स की अपेक्षाओं को पूरा करने की बात हो या अपने कहीं सपने पूरे करने की बात हो, उन्होंने बड़ा ही सुनियोजित तरीके से सारी बातों को सामने रखा है और आशा करता हूँ कि हमारे सारे बच्चे जो हैं बिना किसी स्ट्रेस के अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करके बहुत बढ़िया करके आएंगे। निश्चित तौर पर परीक्षा नाम से ही हर स्टूडेंट के मन में कहीं ना कहीं ऐसे भाव होते हैं जो डर जरूर पैदा करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह से आज बात कर रहे थे आप लोगों ने सुना, किस तरह के भाव? परीक्षा को लेके एक विद्यार्थी के मन में बहुत सारी घबराहट रहती है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने हमें बताया उससे हमारा मन बहुत हल्का हुआ और मतलब परीक्षा के लिए हमें मोटिवेशन मिली कि मतलब कुछ कुछ जो जो कठिनाई समस्या होती है उससे हम कैसे लड़ें और उससे कैसे उभर के हम अच्छे से बाहर आएँ। कठिनाई शब्द इन्होंने बताया, कठिनाई क्या होती है और एक लंबा समय देखा गया परीक्षा में, जो बच्चे होते हैं परीक्षा में बैठने से पहले डरते हैं, अगर मार्क्स कहीं ना कहीं कम होने की आशंका होती है तो अलग डर। आज का ये भाषण कितना प्रभावी? जाहिर से बात है जो हम भाषण दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने ये बहुत ही प्रभावी रहा है हमारे जीवन के लिए। जैसे कि हम जानते हैं अगर हम कोई भी हम पहली बार कोई एग्जाम भाषण था या बातचीत जैसी चीज़ भी ऑफकोर्स बातचीत हुई है, लेकिन जो चीज़ हमने देखी अभी लाइफ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला इन सब चीज़ों से। हम कोई पहली बार एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं बट स्टिल वो रहता है एक माइंड में कि कैसा जाएगा पेपर। प्रिपरेशन हम पूरी करके जाते हैं बट फिर भी एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद जो नर्वसनेस होती है, जो टेंशन रहती है कि कैसे पेपर आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो एक तरह से हमारे लिए कठिनाई बन जाती है। पर अगर हम पूरी तैयारी करके जाएं, हम अपने आप को प्रेशराइज़ ना करें, हर चीज़ों को सीरियसली लें और हर सब कुछ पढ़ के जाएं अच्छे से और मोटिवेटेड रहें अंदर से, तो ऑफकोर्स हम सारी चीज़ों को अच्छे से वो सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए केपेबल हैं। एंड ऑफकोर्स जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो हमें वो भाषण दिया है, जो हमसे बातचीत हुई है उनकी, उससे हमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ हमें अपने आप को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए और सारी चीज़ों को एक तरह से नॉर्मलाइज़ कर देना चाहिए। तो पीएम का गुरु मंत्र छात्रों के लिए वरदान साबित होने वाला है और छात्र भी इससे कहीं ना कहीं एक ऊर्जा प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।